सागर जीआरपी पुलिस ने उड़ीसा निवासी 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह युवक पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन से सागर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने पकड़कर इनसे गांजा जब्त किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन युवकों के नाम राहुल रविंद्र यादव तथा दीपक सावंत हैं, जो उड़ीसा के निवासी हैं। यह तीनों 2 शोल्डर बैग तथा 1 ट्रॉली बैग में गांजा भरकर लाए थे। युवक सागर में किसको यह गांजा देने आए थे, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। ये आज रात में जो मुखबिर से सूचना मिली कि 2-3 लोग जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बोल दिए और ऐसा गांजा है उसमें इंतजार भी है। सूचना पर हमारे यहाँ स्टाफ जाके उनको देख करके पकड़ा। उनमें से तीन लोग थे, वो एक का नाम है राहुल और एक रविंद्र यादव, एक दीपक सामंतो, 3 लोग। गौरतलब है कि उड़ीसा के पुरी से हरिद्वार तक जाने वाली उत्कल कलिंग एक्सप्रेस गांजा तस्करों की पसंद की गाड़ी बन गई है। इस गाड़ी में इन तस्करों द्वारा उड़ीसा से सागर तक सुरक्षित गांजा ले जाना बीच के स्टेशनों की आरपीएफ तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज़, सागर।